सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप ये जो क्रिस्पी सा नाश्ता देख रहे हैं ना, इसे हमने सिर्फ 2 चम्मच तेल में बनाकर रेडी किया है। इसे बनाना इतना आसान है और ये ऐसी टेस्टी सी रेसिपी है ना, आप एक बार बना लेंगे तो इसके फैन हो जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने काले चने ले लिए थे 1 छोटी कटोरी, और उसे रात भर पानी में भिगो दिया था। बढ़िया से हमारे जो काले चने हैं वो फूल चुके हैं। 8 से 9 घंटे मैंने उन्हें भिगोया था। उसके बाद हम इनका सारा पानी निकाल देंगे और इसे हम डालेंगे एक मिक्सर जार में। साथ ही मैंने यहाँ पर डाले हैं 10 से 12 करी लीव्स, फ्रेश करी लीव्स हमें डालने हैं। हरी मिर्च डाली हैं 2 छोटी, साथ ही लहसुन की 3 से 4 कलियाँ हम इसमें डालेंगे, और हमें इन सभी को अच्छी तरह से पीसना है। तो दोस्तों, इसे पीसते वक्त अगर आपको दिक्कत आती है तो 1-2 बड़े चम्मच पानी आप इसमें डाल सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि बढ़िया से ये पिस रहा है तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, वो डिपेंड करता है कि कितने घंटे आपने चनों को भिगो कर रखा है। मुझे यहाँ पर लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच पानी डाला और उसमें ही बढ़िया से ये पिस गया। तो हमें इसे गीला नहीं करना है, इस बात का ध्यान देंगे। अब इस मिक्सचर को हम एक बोल में निकाल देते हैं और उसमें हम डालेंगे काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही बेसिक से सूखे मसाले हमें इसमें ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये वाला जो मिश्रण है ना, बहुत ही यूनिक है। आलू की स्टफिंग बहुत बार आप लोगों ने ट्राई की होगी, एक बार काले चने की ये स्टफिंग ट्राई करके देखिए। ये नाश्ता आप जिसे भी खिलाएंगे ना, वो बता नहीं पाएगा कि इतना टेस्टी, इतना हेल्दी और इतना डिलीशियस रेसिपी आपने बनाई कैसे है, ये मेरी गारंटी है। बस इन सभी को मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा ले लिया था। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल। बस नॉर्मली जैसे हम आटा कैसे लगाकर तैयार कर लेते हैं वैसे ही लगाकर रेडी करेंगे। बस एक बात का ध्यान देंगे कि जो आटा हो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। एक नॉर्मल तरह का आटा जो है हमें यहाँ पर लगाकर तैयार करना है। मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया था और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और एक अच्छा सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बढ़िया सा जो हमारा आटा है, सेमी सॉफ्ट डो जिसे हम कह सकते हैं, न बहुत ज़्यादा सख्त न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे थोड़ा सा रेस्ट दे दें और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसकी एक मीडियम साइज़ की लोई तोड़ लेंगे और बिल्कुल नॉर्मली रोटी के जैसे हम इसे बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, हम इसके ऊपर लगाएंगे पहले थोड़ा सा सूखा आटा और इसको बढ़िया से बेल कर रेडी कर लेंगे। दोस्तों, बेलते वक्त हम यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम आज इस नाश्ते को स्टीम कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब हम स्टीम करते हैं ना तो आटा जो है फूल जाता है, तो थोड़ा मीडियम कंसिस्टेंसी का रखेंगे, जिसके क्या होगा कि अगर वो फूल भी जाए तो भी हमें बाद में उसका जो टेस्ट है वो अच्छा लगे। तो बस इस तरह का मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा मोटा है, बस इस तरह की नॉर्मल तरह की थिकनेस हमें यहाँ पर रखनी है। मैंने एक बड़ी सी गोल रोटी बना दी और चारों साइड्स इक्वल हों, इस बात का ध्यान देना, ऐसा ना हो कि कहीं पर थिक हो कहीं पर थिन हो, ऐसा बिल्कुल ना हो, बिल्कुल इक्वल रोटी हो। और अब हमने जो चने का मसाला बनाया था, अब हम वो इसके रोटी के ऊपर डाल देंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से फैला देंगे। एकदम पतली सी लेयर लगानी है, एक कोटिंग हो जाए बढ़िया से। भर भर के मसाला हम इसमें नहीं लगाएंगे, 2-3 चम्मच भर के मैंने मसाला डाला और उसको पूरी तरह से फैला दिया। अब इस तरह से दबाते हुए हमने यहाँ पर इसको रोल कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से प्रेशर लगाते हुए रोल करेंगे तो अंदर क्या होगा, एयर नहीं आएगी तो प्रॉपरली ये पैक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये रोल है बन चुका है और इसके जो कॉर्नर्स हैं हम उसको थोड़ा सा पैक कर लेते हैं ताकि उसमें से मसाला बिल्कुल भी बाहर ना आए। दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोक चम्मच की हेल्प से इसके ऊपर होल कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रोल है और अंदर तक हमें ये नाश्ता पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमने काले चने का जो मसाला था वो भी कच्चा यूज़ किया था, तो वो भी पक जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से फोक चम्मच में इसमें होल कर कर रेडी कर लेंगे। मैंने ऐसे 2 रोल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं इतने मसाले में, और ये रोल काफ़ी बड़े थे क्योंकि मेरे पास जो प्लेट है वो एट अ टाइम मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसे छलनी में बनाया। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया
ओवरऑल दो रोल बनाए थे तो चार पार्ट्स में मैंने इन्हें डिवाइड करके रेडी कर लिया है। तो चलिए दूसरी ओर मैं दिखाती हूँ, इसे हम बनाएंगे स्टीम करके। तो यहाँ पे मैंने एक छलनी ले ली है जिसमें इस तरह से होल होते हैं, उसको थोड़ा सा ऑयल लगा के हम ग्रीस कर लेंगे। मेरे पास ये प्लेट भी है, छलनी भी है, बट प्लेट एट ए टाइम मिल नहीं रही है बिल्कुल भी मुझे। आपके पास अगर प्लेट अवेलेबल हो तो आप प्लेट का यूज़ कर सकते हैं जिसमें इस तरह से होल हो। स्टीमर है घर में तो स्टीमर में बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर छलनी में ये चारों रोल रख दिए हैं और दूसरी ओर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी थोड़ा भरेंगे, इतना नहीं भरेंगे कि छलनी के ऊपर आ जाए, नॉर्मल तरह का पानी रहेगा। उसके ऊपर हमने ये छलनी रख दी, कवर करेंगे और कवर करके मिनिमम 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर ये बढ़िया से स्टीम हो जाएगा और आप देखिए इसका कलर देखने से ही, लुक देखने से ही आपको पता लग रहा है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा ठंडा हो गया था और ये देखिए अंदर का मसाला भी हमारा बढ़िया से स्टीम हो चुका है और बाहर की रोटी भी बहुत अच्छे से स्टीम हो चुकी है। अब हम इस तरह से इसके रोल्स कट कर लेते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अगर ये नाश्ता 100% अंदर से कुक हो गया है ना तो ये रोल जो है बहुत आसानी से कट हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि अंदर मसाला चिपक रहा है तो मतलब ये 100% स्टीम नहीं हुआ है। तो बस मैंने यहाँ पर 20 मिनट्स के बाद इसे निकाला और वैसे ये नाश्ता अभी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बट क्या है ना, हमारी जो चटोरी से ज़बान है उसको थोड़ा सा क्रिस्प पसंद आता है, तो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है और उस तेल में अब हम इस नाश्ते को डालेंगे। हाई फ्लेम पर पहले 2 मिनट एक साइड पकाएंगे, फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 मिनट दूसरे साइड पकाएंगे और ये नाश्ता हमारा बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। वैसे दोस्तों ये जो शैलो फ्राई वाला है ना, बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, नहीं तो आप इसे स्टीम भी खाएंगे ना तो इतना कमाल लगता है। मैंने काफ़ी सारे तो ऐसे बनाते वक्त स्टीम ही खा लिए थे जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद आ रहे थे। हेल्दी भी, टेस्टी भी, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो बस अब यहाँ पर ये देखिए हमने दोनों तरीके आपको बता दिए, इस तरह से आप क्रिस्पी भी कर सकते हैं। कितना प्यारा सुनहरा सा रंग आ चुका है। तो बस मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और बाहर निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी जितना तेल मैंने कढ़ाई में डाला था ऑलमोस्ट उतना ही रह गया है, बहुत ही कम एब्सॉर्ब किया है इसने तेल, देखिए। और बहुत अच्छा सुनहरा सा रंग आ चुका है। गर्मा गर्म आप इस नाश्ते को हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व करें। ये नाश्ता हरे धनिए की चटनी के साथ इतना कमाल का लगता है ना, इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो आप एक बार इस हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी को ट्राई करना, नीचे कमेंट्स में मुझे लिखकर बताना अगर आप ट्राई करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अगर ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, एकदम मुँह में घुल जाएगा ये नाश्ता जाते ही। मेरा तो ये ऑल टाइम फेवरेट हो गया, लाइक मैंने भी 2nd-3rd time ये रेसिपी ट्राई की जब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, बट इट इज़ अमेजिंग। तो आप पक्का ट्राई करना, आपको बेहद पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर आपके भी घर में गूंथा हुआ आटा बच गया है और उससे आप कुछ हेल्दी नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो देर ना करते हुए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ये गूंथा हुआ आटा है, आप लेफ्ट ओवर रात का बचा हुआ आटा भी ले सकते हैं। कई बार हम ज़्यादा आटा गूंथ लेते हैं तो बचे हुए आटे से हम इस नाश्ते को बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार में उस आटे के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब हम उसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, जो चाय वाला कप होता है ना आप वो इस्तेमाल कर लें। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे बढ़िया से एकदम स्मूथ सा पीस कर तैयार कर देंगे, एकदम स्मूथ। हाँ बिल्कुल भी इसमें जो छोटे छोटे दाने हैं ना वो नहीं होने चाहिए। तो आप अच्छी तरह से इसे इस तरह से गाढ़ा सा पीस लीजिए, देख सकते हैं आप कितना स्मूथ मिक्सचर बन गया है। तो अब दोस्तों हमें इसमें डालना है 1/2 कप रवा। रवा हमें मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, हम वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। और 1/2 कप पानी, जितना हमने रवा डाला है ना बिल्कुल उसी कप से मेज़रमेंट करके हमें इसमें पानी डालना है। और फिर से हम लगाएंगे मिक्सी का ढक्कन और इसे बहुत अच्छे से बढ़िया से स्मूथ मिक्सी कर लेंगे। मतलब ये जो रवा के छोटे छोटे दाने हैं ना वो हमें दिखाई नहीं देने चाहिए, इतना स्मूथ मिक्सी हो जाए। तो 1-2 मिनट में ही आपका बढ़िया से इस तरह से ये मिश्रण तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे ये मिश्रण देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, एक मीडियम थिक तरह का घोल हमने बनाकर तैयार किया है। मैं आपको अच्छी तरह से दिखा रही हूँ, देखिए रनिंग कंसिस्टेंसी है
और बहुत ज्यादा पतला ना हो, इस बात का ध्यान देना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये घोल हमारा तैयार हो चुका, तो इस घोल को हमें फ्लेवरफुल बनाना है। तो हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक। अगर आपके आटे में पहले से ही नमक था तो थोड़ा सा नमक कम डालिएगा। और आधा टीस्पून हमने यहाँ पर रेड चिल्ली फ्लेक्स का डाला है, आधा टीस्पून ओरिगेनो डाला है। आप ये वाली दोनों चीज़ें डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही हमने इसमें डाला है काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास रेड चिल्ली फ्लेक्स और ओरिगेनो नहीं है तो आप यहाँ पर नमक और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों इसमें हमने सूजी और रवा का इस्तेमाल किया है, उससे क्या होगा ये बढ़िया से फूल कर रेडी हो जाएगा। तो आप इसे कवर कीजिए और 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देते हैं। जब तक हमारा ये मिश्रण आराम कर रहा है तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं इसे फिलहाल साइड में रख देती हूँ। और स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे आधा टीस्पून जीरा और एक हरी मिर्च को बारीक टुकड़ों में काट लिया था वो भी इसमें ऐड कर दी है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारा जो जीरा है वो चटक जाए। उसके बाद गैस का फ्लेम लो करेंगे और उसमें डालेंगे 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और फटाफट से उसे मिक्स करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम वेट नहीं करेंगे ज़्यादा, हमें मिक्स नहीं करना, सिर्फ 5 से 10 सेकेंड इसे मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू। तेल में जो हल्दी और नमक लाल मिर्च पाउडर डालने से क्या होता है ना, उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, साथ ही मसाले का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर उबले हुए आलू को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने उबले हुए आलू को रफली मैश कर लिया था, आप चाहें तो उसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने इसमें डाला है 1 कप मटर। मेरे पास यहाँ पे ये फ्रोज़न मटर थे तो मैंने डायरेक्टली वॉश करने के बाद इसमें ऐड किए हैं। अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें उबाल कर इस नाश्ते में इस्तेमाल करना। वैसे मटर ऑप्शनल है, आप चाहें तो उबले आलू से भी इसे बना सकते हैं। अब इसे 7 से 8 मिनट तक मसाले को कुक करते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा सैशे मैगी मसाला का और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा, क्योंकि हमने पहले नहीं डाला था नमक इसमें, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस इन सभी चीज़ों को एक बार बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एकदम चटपटा वाला मसाला बनाना है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आया जिसका। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इस मसाले को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, क्योंकि इस स्टेज पर ये काफ़ी गर्म है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया, जो इसके बड़े बड़े चंक्स थे ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो बस अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इस मसाले को थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। जब तक हम ये मसाला बना रहे थे 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा जो ये घोल है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है पहले के कंपेयर में, आप देख सकते हैं। बस इस कंसिस्टेंसी का मिश्रण हमें चाहिए। मैंने आपको मेज़रमेंट स्टार्टिंग में ही बताया, आपको उसी मेज़रमेंट से इस मिश्रण को बनाकर रेडी कर लेना है। अब फाइनल रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के करीब तेल ले लिया है। तेल को कढ़ाई में अच्छी तरह से फैला देंगे और कढ़ाई मैंने यहाँ पर फ्लैट वाली इस्तेमाल की है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 कलछी भरकर ये मिश्रण मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत ज़्यादा मिश्रण नहीं डालेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे कि अच्छी तरह से चारों ओर कढ़ाई में बढ़िया से फैल जाए। और इस स्टेज पर जो गैस का फ्लेम है ना वो लो रखा है फिलहाल मैंने, पहले ये नाश्ता एक बार पूरा सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसे कवर करके कुक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे हल्का हल्का फैला दिया। और अब हम क्या करेंगे, हमने जो आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार की थी ना उसे हाथों में इस तरह से लेंगे, प्रेस करेंगे, मतलब अच्छे से चपटा करेंगे और उसे फैला देंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स को थोड़ा सा छोड़ना है, बाकी ये जो स्टफिंग है पूरे नाश्ते में बढ़िया से फैला देनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा काम है और इस तरह से पूरी स्टफिंग मैंने इस नाश्ते पर फैलाकर रेडी कर ली है। अब नीचे से ये नाश्ता सिक रहा है धीमी आंच पर। अब जो ऊपर वाला सरफेस है ना उसको आप थोड़ा हाथों से सेट कर लें ताकि इक्वल रहे। और अब हमने जो घोल बनाकर रेडी किया था ना वो 1 कलछी या 1.5 कलछी भरकर फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच से ये देखिए इसे फैला देंगे। मतलब हमने जो स्टफिंग डाली थी ना वो कवर हो जाना चाहिए और ये जो मिश्रण है बिल्कुल कॉर्नर तक सेट हो जाए। उससे क्या होगा, ये नाश्ता कॉर्नर से सील भी हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से पैक हो जाएगा, हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जहाँ अगर मुझे लग रहा था कि घोल कम है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा चम्मच से फैला देंगे। और बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम इसे कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम लो ही है
और लो फ्लेम पर ही हम इसे कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों नीचे वाले साइड की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा। आप इसे आराम से कवर करके 7-8 मिनट छोड़ दीजिए, और 7-8 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो आप देखिए हमारा जो ऊपर वाला साइड है वो 90% कुक हो चुका है, मतलब स्टीम में ही कुक हो चुका है बहुत अच्छे से। अब बस हमें उसे क्रिस्पी करना है, तो बड़े आराम से हम इसे फ्लिप कर लेते हैं, और ये देखिए नीचे वाला साइड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है, धीमी आंच पर पकता है, बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट आने वाला है दोस्तों, एकदम यूनिक। लाइक आप बाहर के जो पिज्जा विज्जा खाते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा अच्छा ये नाश्ता बनेगा। अब 4-5 मिनट मैंने उस साइड से भी कवर करके इसे छोड़ दिया, दोनों साइड से ये बहुत अच्छा कुक हो चुका है। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छा सा और क्रिस्पी कर लीजिए। बाकी ये नाश्ता 100% कुक हो चुका है। इसे चेक करने के लिए आप यहाँ पर टूथपिक की या चाकू की मदद ले सकते हैं। ये देखिए चाकू बिल्कुल साफ आया है, मतलब ये एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। तो बस थोड़ा सा करारा करने के बाद अब हम इस नाश्ते को बाहर निकाल लेते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अलग नाश्ता है दोस्तों। आपने ऐसा नाश्ता पहले ट्राई नहीं किया होगा। अगर आप कुछ यूनिक कुछ टेस्टी सा खाना चाहते हैं ना, तो इस रेसिपी को एक बार पक्का ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने इसे गर्मा गर्म सर्व कर लिया, अब हम इसे पिज़्ज़ा लुक में ही कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कट लगा लेते हैं, और बस दोस्तों ये रेसिपी हमारी रेडी है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की इवनिंग स्नैक्स के साथ इसे खा सकते हैं। ये नाश्ता जो आपका गूंथा हुआ आटा है ना, वो भी यूज़ हो जाएगा, और एकदम यूनिक सी रेसिपी बनेगी। तो आप इसे एक बार पक्का ट्राई करना, और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 बड़ा कप गेहूं का आटा, किसी भी मिक्सिंग बोल में आप इसे ऐड कर लीजिए। साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच बेसन, इससे क्रिस्प बहुत अच्छा आएगा और काफ़ी अच्छी फ्लेवर हमारी रेसिपी को मिलेगा। अब हमने इसमें डालना है सब्जियां, तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप शिमला मिर्च, बिल्कुल महीन कटी हुई सब्जियां हमें लेनी है। 1/2 कप हम इसमें डालेंगे प्याज, काफ़ी सारा हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप चाहें तो यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर का यूज़ किया है। 1/3 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर का। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। रेड चिली फ्लेक्स वैसे ऑप्शनल है, बट इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 सैशे मैगी मसाला का। अब इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत ही बेसिक सब्जियाँ ली थी, जैसे कि शिमला मिर्च और प्याज। आप चाहें तो इसमें पनीर को भी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें गाजर ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बहुत सारी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, ये मर्ज़ी बिल्कुल ही आपकी है, या फिर जो भी सब्जी घर में अवेलेबल हो। तो बस इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, और काफ़ी अच्छा गाढ़ा सा घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। ध्यान रखें हमें यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और एक ही साथ हम सारा पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने से क्या होता है, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 छोटे कप के करीब पानी का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर आप घोल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा गाढ़ा बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरी ओर दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू ले लिए थे, उन्हें मैंने छील कर इस तरह से बड़े वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया, और 2 से 3 बार बिल्कुल साफ पानी से धोकर साइड में रख दिया है। एक डिप बनाएंगे, 2 बड़े चम्मच मेयोनीज और 1 बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को मिक्स करेंगे, और हमारा एक प्यारा सा फ्लेवर बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि इस रेसिपी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। अब सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच या 3 बड़े चम्मच आप इसमें तेल के ले लीजिए, और इसे अच्छी तरह से चारों ओर स्प्रेड करेंगे। उसके बाद जो हमने मिश्रण बनाकर तैयार किया था वो एक छोटी कलछी भरकर इस तरह से मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ। तो एक छोटा सा पैनकेक जैसा हम हल्का सा फैलाकर इसको रेडी कर देंगे। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है, याद रखें 1 छोटी वाली कलछी है वो उतनी काफ़ी रहेगी, और एक बार में तवे पर जितना भी नाश्ता आ सकता था मैंने वो सारा ऐड कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। अब यहाँ पर हमने जो कच्चे आलू रेडी करके रखे थे ना, जिसके लच्छे हमने रेडी करके रखे थे, वो इसके ऊपर हमें डालने हैं। इसमें हमें कोई फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको बाद में पता चलेगा कि मैं इस रेसिपी में ऐसा क्यों कर रही हूँ, बट इस तरीके से जब आप इस नाश्ते को बनाएंगे ना, सच में ये सभी को बहुत पसंद आने वाला है, एक यूनिक सा ट्विस्ट मिलेगा इसे।
तो काफी सारे लच्छे मैंने इसके ऊपर फैला दिए। अब धीमी आंच पे पहले एक साइड से सिकने देंगे, जब हमें लगे कि अच्छा सा सिक गया है फिर हम बड़े ही आराम से इसे पलट लेते हैं। जो ऊपर वाली सतह होती है वो हल्की कच्ची ही होती है, जब हमने इसमें कच्चे आलू के लच्छे इस तरह फैलाए हैं ना तो वो इसके अंदर बढ़िया से चिपक जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगे, वो आपको अभी पता लग जाएगा। तो अब धीमी आंच पर दूसरे साइड से भी हम इसे सिकने देते हैं 5 से 7 मिनट तक। और अब आप यहाँ पर देखिए हमारी जो दूसरी वाली लेयर थी वो कितनी परफेक्टली सेट हुई है, जो आलू के लच्छे थे वो हमारे नाश्ते में बढ़िया से सेट हो चुके हैं और उनका क्रिस्प देखिए आप, मतलब ऐसे फ्रेंच फ्राइज वाला क्रिस्प नहीं होता वो वाला क्रिस्प आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी बिल्कुल कम तेल में। आप इसे और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए बिल्कुल सेंटर में तवे के लाकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे अगर आप जल्दी में हैं तो आपका ये नाश्ता बहुत ही कमाल का बनेगा। ये देखिए इससे क्या होगा, जो क्रिस्प का लेवल है वो बढ़ जाएगा क्योंकि सेंटर में हीट बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए आलू के लच्छे हमारे कितने करारे हो गए हैं और नीचे से बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल मसालेदार हमारा ये नाश्ता है, सब्जियों से भरा हुआ है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है। तो ये रेसिपी जो है ना, इतने सारे हमने नाश्ते को 2 से 3 बड़े चम्मच तेल में बनाकर रेडी कर लिया है। आप इसको चाट मसाला डालकर थोड़ा सा सर्व कीजिएगा डिप और टोमेटो केचप के साथ, ये रेसिपी बहुत कमाल की लगती है। आप इसे पक्का ट्राई कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए गेहूं के आटे से बनने वाला एक बहुत ही यूनिक खस्ता चटपटा और टेस्टी सा नाश्ता लाई हूँ, जो बच्चे बड़े घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा मेजरमेंट करने के लिए। और हम इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी, 1/4 कप तेल। ये सभी चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से ही हमें इसमें ऐड करनी है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को दोनों हाथों से हम क्रश करेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने इसमें डाला है थोड़ी सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया फ्रेशनेस के लिए। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और थोड़ा सा उससे ज़्यादा मैंने ऐड किया है क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। आप सबसे पहले क्या करना है, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसमें मोइन का यूज़ किया है, तो क्या होता है जो तेल और सभी चीज़ें हैं ना आटे में अच्छी तरह से रच जाती हैं। तो आप 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से रब करते हुए आप इसे मिक्स कर लें। तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसका लड्डू ना बन जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का लड्डू हमें चेक करना है यहाँ पे। ऐसा करने से क्या होता है, हमें पता लगता है कि जो हमारा मोइन है वो बहुत अच्छी तरह से आटे में रच चुका है और हमारा जो नाश्ता है वो बहुत अच्छा खस्ता बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं आटे का रंग चेंज हो चुका है और ये देखिए ये वाला लड्डू हमें बनाना था, तो ये बनकर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। मतलब आराम से आप सेट समझ सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और अच्छा सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पर आटा बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसे अच्छी तरह से गूंथ कर तैयार कर लीजिएगा। तो अब आप फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आटा है अच्छी तरह से लग चुका है। लास्ट में हम 2 से 3 बूंद इसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे और उसके बाद हम इसे कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए रखेंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, तो सूजी हमारी फूल कर रेडी हो जाए। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल महीन कटे हुए प्याज ले लिए हैं और बिल्कुल महीन कटी हुई शिमला मिर्च ले ली है। उसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे चीज़। तो मैंने तीनों चीज़ों का जो मेज़रमेंट है बिल्कुल बराबर रखा है, 1/2 कप प्याज, 1/2 कप शिमला मिर्च और 1/2 कप प्रोसेस चीज़ क्यूब्स मैंने यूज़ किए हैं, उन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये वाली जो स्टफिंग है ना बहुत अच्छी लगती है, पर अगर आप चाहें तो इसमें आलू की स्टफिंग डाल सकते हैं, पनीर की स्टफिंग डाल सकते हैं, मटर की स्टफिंग डाल सकते हैं। तो स्टफिंग जो है वो पूरी तरह से आपकी मर्जी के ऊपर है, जो आपको पसंद हो फ्लेवर या आपके घर में जब जो सबको पसंद हो आप वो स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये बहुत इंस्टेंट वाली स्टफिंग आपको बताई जो टेस्टी भी लगती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तब सबको मिक्स कर लिया और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आटे ने बढ़िया से आराम कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुका है। तो अब हम हाथों से इसे एक बार फिर से सेट कर लेते हैं। दोस्तों मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है इसीलिए वॉइस ऐसी आ रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से गूंथ लिया है एक बार और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये सेट हुआ है। सख्त भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, सेमी सॉफ्ट सा आटा लगाकर हमने तैयार किया है। अब एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे
जितने में हम रोटी बनाते हैं ना उससे डबल लोई होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे। और जो आटा जब तक हम यूज़ कर रहे हैं उसको कवर करके रखिएगा कि वो सूखे ना। अब यहाँ पर हम एक अच्छी सी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस रोटी को बेलते वक्त आपको ना सूखे आटे ना ऑयल किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपने एक परफेक्ट आटा लगाकर तैयार किया है तो। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसे बेल लिया है, पतला सा बेला है, थिक नहीं बेला बिल्कुल भी। अब जो इसके कॉर्नर्स हैं अनइक्वल से हैं, हम उन्हें कट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये चारों कॉर्नर्स हमने कट किए, और जब हम नेक्स्ट सेक्शन बेलेंगे तो उसमें हम इसे यूज़ कर लेंगे। और अब हम इसके बनाएंगे इस तरह से स्क्वायर बॉक्सेस। तो मैं इसे चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ये देखिए चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और अब हमारे जो स्क्वायर्स हैं वो रेडी है, अब हम अपना नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पहला वाला स्क्वायर ले लिया है, और सबसे पहले क्या करेंगे इसके चारों ओर हम पानी लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे पैक करना होता है। पानी लगाने से बिल्कुल परफेक्टली पैक हो जाता है और कोई रिस्क नहीं रहता। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैंने चारों ओर लगा दिया। जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी ना वो बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। एक और चीज़ दोस्तों, जो ये वाली स्टफिंग है ना, जब आप इसे फ्राई करेंगे तो इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ होगा, क्योंकि इसमें प्याज और शिमला मिर्च है जिसमें मॉइस्चर होता है। तो अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप आलू की स्टफिंग यूज़ कर लीजिए, क्योंकि बॉयल आलू की जो स्टफिंग होती है ना उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। और अगर आप इसे पहली बार ट्राई कर रहे हैं, समझो आपने इस तरह की फोल्डिंग नहीं की है, तो रिस्क होता है कई बार कि खुल ना जाए, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आलू की स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप श्योर हैं कि आपकी पैकिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, रैप कहीं से खुलेगा नहीं, तो आप फिर शिमला मिर्च प्याज की स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से तरीके से देखिए मैंने इसका एक स्टार टाइप का रैप बना दिया, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैंने ऐसे काफ़ी सारे बनाकर रेडी कर लिए। अब दूसरी ओर कढ़ाई में जब मीडियम गर्म हो गया था तेल, तो अब हम अपने ये स्टार इसमें ऐड कर लेंगे। एक बार में जितने भी कढ़ाई में आ सकते हैं आप उतने डाल दीजिएगा। इस नाश्ते को बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। जब हम फ्राई करेंगे तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मीडियम हॉट होना चाहिए। और उसके बाद जब हम इसे फ्राई करेंगे तो हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर हमें इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे पहले एक साइड से बहुत अच्छी तरह से सिक जाने दीजिए, उसके बाद हम इसे दूसरे साइड से टर्न कर लेंगे। और जब आपको लगे कि इसका रंग अच्छा चेंज होने लग गया है, और उसके साथ ही आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि इसमें बबल्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हमारा जो ये नाश्ता है फ्राई हो चुका है। आप देखिए दोनों साइड से अलटते पलटते हुए बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन करते हुए मैं ऐसे सेक रही हूँ। और ये देखिए हमारी रैपिंग बहुत ही परफेक्ट थी, देखिए एक भी रैप अंदर खुला नहीं है। वैसे रैप करना बहुत आसान है, कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। तो बस अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं, और हमारा ये जो नाश्ता है गर्मा गर्म बनकर बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। वैसे ये गेहूं के आटे से बनाया है, पर हमने इसमें सूजी डाली है, तो ये बहुत ही अच्छा खस्ता बनकर तैयार हुआ है। अंदर से एकदम सॉफ्ट क्रीमी और चीज़ी वाला, और बाहर से एकदम खस्ता टेस्टी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये देख सकते हैं कितना अच्छा खस्ता बना है ना। पक्का ट्राई करना, कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, प्लीज़ सपोर्ट किया करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए बाय।